तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की खोज हुए 2 सप्ताह से थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया है। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि यह वायरस पहले ही वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलता है, लेकिन यह गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता दिख रहा। अभी तक इसकी वजह से किसी की मौत की खबर पूरी दुनिया में नहीं है। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में अभी बहुत कुछ खोज करना बाकी है। इस वेरिएंट को लेकर अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए दुनिया अभी भी कुछ हद तक इस मामले में अंधेरे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देश ब्रिटेन में हर कुछ दिनों में ओमिक्रॉन के मामले दोगुने हो रहे हैं। ब्रिटेन में हो रहे ओमिक्रॉन के प्रसार से यूरोप और अमेरिका में स्थितियां बिगड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के अंत तक यह लगने लगा था कि 2022 में स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब यह धुंधला सा नजर आता है और कमोबेश 2021 जैसी परिस्थितियां बन सकती है। लैब रिसर्च की शुरुआती स्टडीज के संकेत मिलता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक है, जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। स्टडी में यह भी दिखा गया है कि यह वेरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी अपनी चपेट में लेता है। इसके अलावा उस शख्स को भी बीमार कर सकता है जो पहले से ही कोविड संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अब तक की स्टडीज से यह खुलासा नहीं हो सका है कि कोविड का नया वेरिएंट कैसे विकसित हुआ और क्या यह दक्षिण अफ्रीका की तुलना में पुरानी आबादी वाले देशों में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनेगा।